देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। फलों का राजा आम है और हापुस आम को आम का राजा कहा जाता है। इन्हीं हापुस आमों के साथ मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित किया जाने वाला मैंगो जत्रा की शुरुआत शुक्रवार से हुई। ग्रामीण हाट बाजार ढक्कन वाला कुआ पर शुरू हुआ मैंगो जत्रा 19 से 21 मई तक सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक चलेगा। सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। संस्था के सुधीर गांडेकर एवं राजेश शाह ने बताया कि 19 मई को प्रातः 9 बजे इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री मकरंद देउस्कर के मुख्य आतिथ्य में मैंगो जत्रा का शुभारंभ हुआ। कमिश्नर श्री देउस्कर ने सपत्निक मैंगो जत्रा का फीता काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए श्री देउस्कर ने मैंगो जत्रा की तारीफ करते हुए कहा कि देश भर के प्रमुख आम उत्पादक किसानों से इंदौर की जनता को सीधे जोड़ने का मराठी सोशल ग्रुप का यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। समीर देश कुलकर्णी ने बताया कि 24 के करीब महाराष्ट्र कोंकण रत्नागिरी के कृषक हापुस आम और अन्य उत्पाद लेकर उपस्थित हुए। मराठी सोशल ग्रुप की सचिव तृप्ति महाजन ने बताया कि मैंगो जत्रा की विशेषता यह रहती है कि उत्पादक सीधे ग्राहक को अपना माल विक्रय करते हैं। तृप्ति महाजन एवं सुमेधा बावकर ने बताया कि इस वर्ष भी मराठी व्यंजनों की श्रृंखला एवं इंदौरी चाट चौपाटी का भी समायोजन किया गया। इससे प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैंगो जत्रा पूर्ण पारिवारिक वीकेंड मनोरंजन डेस्टिनेशन रहेगा। हर्षवर्धन लखीते एवं दर्शन जागीरदार ने बताया कि परिसर में ही भरपूर टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर निःशुल्क पार्किंग उपलब्ध है। आज के कार्यक्रम के अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है, जोरदार तालियों से हम उनका अभिवादन करें। मैंगो जत्रा का औपचारिक और साथ ही इंदौर शहर की ओर से मैं सभी किसानों का स्वागत करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा। आप यहाँ पर आए, मेरी आप सभी से आग्रह है कि इंदौर शहर के लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे तो निश्चित ही आप अच्छा कुछ न कुछ अपने शहर में बताने के लिए जरूर पाएंगे। और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे आज यहाँ पर बुलाया, उसके लिए तुम्हें धन्यवाद। उमस बहुत पसंद आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। और मेरे ख्याल से जत्रा की वजह से ही अपनी चकली श्रीखंड थाली पीठ भेड़ा तो फेमस आए और सगे जन पूर्ण इंदौर मध्य सके वेट करता कि केवल जत्रा लागे और हम लोग मतलब खाला मिले। तो इनके साथ साथ हम जब आम को भी उनके सामने पेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल पहल है। और इसके लिए मराठी सोशल ग्रुप, गांडेकर जी, मिसेज महाजन जी, इन सबको बहुत बहुत और सभी पदाधिकारियों को, मेंबर्स को बहुत बहुत थैंक यू। मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट मैंगो जत्रा का आयोजन 2013 से कर रहा है। कोविड के कारण जो बीच में खंड पड़ा वही उसके बाद से ये आयोजन सतत रूप से जारी है और बहुत छोटी संख्या से 7 या 8 किसानों से शुरू हुआ हमारा सफ़र आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गया है। आज हमारे यहाँ आम के 26 स्टॉल हैं और विशेष बात यह है कि जब हम कोंकण में जाते हैं तो हमें पता पड़ता है कि वहाँ इंदौर एक बहुत अच्छी नाम से प्रख्यात है कि मैंगो जत्रा वहाँ होता है, तो वहाँ के किसान भी इंतज़ार करते हैं कि बहुत हमें इंदौर की मैंगो जत्रा में जाने का किसी न किसी दिन मौका मिले। और मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट है और चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, इसलिए हम कहीं से भी डोनेशन नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो हम अपने इवेंट्स के माध्यम से ही फंड्स जनरेट करते हैं और उसे वापस समाज कार्य में डोनेट कर देते हैं। जत्रा के साथ और भी यहाँ पे दूसरा आयोजन भी चल रहा है, और क्या क्या मतलब दूसरे स्टॉल्स भी देखे जा रहे हैं? जी हाँ, जत्रा के साथ बहुत सबकी डिमांड रहती है, इंदौर की जनता भोजन प्रिय है, अच्छे स्वाद के लिए रसिक है, तो एक फूड जोन भी हमने आयोजित किया है और कुछ विशेष अलग तरह के छोटे से कमर्शियल स्टॉल्स भी हैं। तो फूड जोन में बहुत सारे महाराष्ट्रीयन व्यंजन जो हमेशा ही डिमांड में रहते हैं
पूरण पोई, अनार से चकली, श्रीखंड पूरी, सांभर वड़ी, ये काफ़ी सारे व्यंजन और इंदौरी चाट चौपाटी भी यहाँ पर है। आज शुभारंभ किस तरह से हुआ, कितने दिनों तक और कितने समय तक चलेगा जत्रा? जत्रा एक 3 दिवसीय आयोजन है। 19 तारीख इसका आज का पहला दिन है, शनिवार और रविवार 2 दिन अभी और है, 3 दिवस का आयोजन है। आज हमारे कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए हमें इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री मकरंद देउस्कर जी सपत्नी हमारे बीच पधारे थे, उन्होंने मैंगो जत्रा का उद्घाटन किया है। मैंगो जत्रा के का आयोजन इंदौर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण सोपान है और विशेष रूप से दो जो मैंगो प्रोड्यूसिंग एरिया हैं उसको इंदौर से जोड़ने का ये जो काम है, ये निश्चित ही न केवल इंदौर शहर को एक अच्छा फल उपलब्ध होता है बल्कि कुंकण क्षेत्र के जो किसान हैं उनको उनका भी जुड़ाव इंदौर से होता है। ये निश्चित ही बहुत ही उल्लेखनीय और प्रशंसनीय पहल है।